किधर जनाजा है? इसे पहचानते हो? जी पंजाबी प्यारे हो, एक पाकिस्तान में बहुत वड्डा एक जनाबली अदाकार होया है जान रैम्बो, जिन्हों का नाम सी अफजल खान। तो रैम्बो रैम्बो के नाँ तो जनाबली मशहूर होया, जिहड़ा कि एक हॉलीवुड का भी अदाकार सी रैम्बो, वो नाँ तो बड़ी शोहरत पाई, एक सुपरस्टार पाकिस्तान का। असी मानने सरकार मानने असं, लेकिन तुसी जानते हो कि सुपरस्टार बनाने पिछे जनाबली किदा हाथ खड़ा? सुन लो अगर नहीं पता तो, सुल्तान राई साहब का। मुकम्मल अगर जानकारी चाहते हो तो वीडियो नूं लाइक कर लो, चैनल नूं सबसक्राइब करो। तो आओ तुहानूं दस्सने आ कि उस सारा की वाकया गुजरिया, किवें साहिबा दी मां जिहड़ी है ना सुल्तान राई साहब को लैके ते अफजल खान नूं पहुंची। इजाजत है? काहे की? छूने की? हाँ। निशो बेगम समझ गई सन कि मेरी धी साहिबा जिहड़ी है ना रैम्बो तो बगैर नहीं रह सकती, तो रैम्बो जिहड़ा ना यह कामयाबी ना इहनूं मिले तो फिर समझो कि साड़ी भी एक तोहीन है। असी भी चाहनी हाँ कि वह भी एक सुपरस्टार बने जिमें एक कामयाब अदाकार है। लिहाजा जनाबैली एक रात जी निशो बेगम जी है ना रैम्बो की जी सस बनी तो साहिबा की माँ, उन्हें रैम्बो का हाथ पड़िया अफजल खान का, सुल्तान राई साहब के घर पहुँच गई। जाके राई साहब को मुहब्बत शफकत लाइया तो राई साहब ने यह आख्या कि राई साहब बराए मेहरबानी ए बच्चा साडा, तुसी इहदे उत्ते हाथ रख दो ताकि भी सुपरस्टार बन जाए। तरीक गवाह इस चीज़ की कि भी सुपरस्टार बन जाए, रब मेहरबान हो जाए ये। लिहाजा जनाब अली उन्हें हाँ कर दी। तुहानू पता वो ना वाला बंदा ही नहीं सी, ऐसा अल्लाह पाक ने उन्होंने वड्डा दिल गुरदा देता सी, ना है ही नहीं सी। सब वास्ते मुहब्बत शफकत सारा कुछ कि मेरी वजह तो अगर कोई बंदा कामयाब होंगे तो यार मैनू होर की चाहिए, कोई दुआवां देगा? ता ही तो अज उहदे मरण तो बाद ही लोग झोलियां चुक चुक के, हालां मैं उन्होंने वेख्या भी नहीं, राई साहब मैं नहीं वेख्या ना, मैं मिलिया उन्होंने फिल्मा जी वेख्या ना, लोगों को सुनिया उत्थे इंडस्ट्री में। मैं यकीन करो मैं उन्होंने वास्ते भी दुआवां करता रहना, सिर्फ की है कि जिदे ते रब मेहरबान होंगे ना फिर उत्ते जग मेहरबान होंगे। रब किसी नूं मुकाम दवांदा तो मालक दवांदा कि वह बंदा लोगों अल्लाह पाक उस बंदे नूं बंदे दे दिल नूं नरम कर दिंदा लोगों वास्ते, फिर लोगों के काम होंगे तो लोग वो जाने तो मगरों भी जनाब वाली वो वास्ते चंगियां दुआवां करते रहेंगे, नहीं तो भैड़ा बंदा है तो लोग आते ने दफा होया मर गया धरती का बोझ घटिया। चलो जी राई साहब मन गए, अपना मुश्तरका फिल्म बनी। वो साइन किधर तो की थी? निशो बेगम के कहने उन्होंने राई साहब ने साइन की, हालांकि उन्होंने को तो डेटा ही नहीं सी, टाइम ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा चलो यार मेरी वजह तो बच्चा कामयाब हो जाएगा। लिहाजा गुरु चेला फिल्म जी है ना वो साइन कर ली सुल्तान राई साहब ने सिर रैम्बो वास्ते अफजल खान वास्ते। वो फिल्म जो लगी तो उन्हें जनाब वाली थरथली पा दी, है जी इन्नी सुपरहिट फिल्म, क्योंकि राई साहब का पिछे नाँ से रैम्बो न अफजल खान तो कौन जानता सी, ना तो अपना राई साहब का चलता सी। वो फिल्म जी अलहमदुल्ला कामयाब हो गई, लिहाजा अगली फिल्म इन्हों मिल गई जी मुंडा बिगड़ा जाए, जिथों जनाब वाली फिर चल सौ चल इस बंद फिल्मा मिली ने तो फिर कामयाबी के झंडे गढ़ दते रैम्बो साहब ने, तो उन्होंने नाँ सुपरस्टारा की लिस्ट में आ गया। फिर राई साहब के नाल ही उन्होंने जनाब वाली चौधरी बादशाह फिल्म की, बड़ी ही सुपरहिट फिल्म गई हो, जिथों रैम्बो साहब जनाब वाली गुड्डी उड्डन लग पी, उन्होंने बड़ा ही नाँ कमाया उस बंद ने, मेहनत भी बड़ी है पिछे, लेकिन अगर वेख्या जाए तो पिछे राई साहब का हाथ खड़ा। वो मालक तो मेहरबान होंगे ही होंगे, लेकिन वो खुद तो नहीं ना आके रब करता, वो अपने बंदे ही भेजदा, उन्हें तो वसीला बनता, वसीले पैदा करता ना मालक। लिहाजा राई साहब वसीला बने तो रब मेहरबान हो गया, इस तरह जनाब अली भी सुपरस्टार बन गए कि इन्हों के सुपरस्टार बनने के पिछे भी जनाब अली सुल्तान राई साहब खड़े ने, उन्होंने एहसान पिछे। उम्मीद करांगे तुहानू वीडियो पसंद आई, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, किसी होर वीडियो च मुलाकात होगी तो अल्लाह पाक दुआ जरूर करया करो कि मालक राई साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। ठीक है जी, रब रखा।